मेहमान को शामिल करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि आरबीआई की जो पॉलिसी आई और फाइनेंस बिल 2023 में हुए बदलाव को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के को हेड फिक्स्ड इनकम के देवांग शाह, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना और स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, अभी हाल में जो पॉलिसी आई है, पॉलिसी आउटकम आया है, काफी सरप्राइजिंग था। आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन रखा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो दर्शकों के लिए आज तो जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की गई थी उसमें आरबीआई पॉज लिए है और उन्होंने आरबीआई रेट हाइक्स आज जो स्टेटस को रखे हुए है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में कोई भी चेंज नहीं किया है। आरबीआई रेपो रेट 6.5 था, उन्होंने 6.5 पे ही कंटिन्यू करा है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आरबीआई ने इस टाइम फोकस करा है कि ग्रोथ साइकिल की अनसर्टनिटी, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहा है जहां पे फाइनेंशियल कंटेजन की संभावना है, ग्लोबल एनवायरनमेंट जहां पे अगर आप डेटा देखेंगे यूएस इकोनॉमी, यूरोप इकोनॉमी, सब जगह पे स्लो डाउन चालू हो गया है, बहुत सारे रेट हाइक्स हो चुके हैं। मतलब आप अगर फेड हाइक देखेंगे तो फेड डिस्काउंट 0% से 5% पे चला गया है। अगर आप इंडिया रेपो रेट देखेंगे, इंडिया रेपो रेट 3.35 से 6.5 चला गया, तो ऑलरेडी 300 बेसिस की रेट बढ़ोतरी की गई थी, रेट हाइक करे गए थे इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इंक्रीमेंटली यहां से आरबीआई का थॉट ऐसा था कि अगर हम लोग ने बहुत ज्यादा रेट हाइक कर दिए तो उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे दिखा जा सकता है, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इस माहौल में आई थिंक आरबीआई ने पॉज करने का निर्णय लिया है और वो बहुत अच्छा निर्णय है, बिकॉज अगर वो ओवर टाइटन कर देंगे तो उनका इम्पैक्ट जो ग्रोथ पे होगा वो लॉन्गर टाइम तक रह सकता है और फिर वो विशेष साइकिल में इंडिया इकोनॉमी जा सकती है। तो एक ग्रोथ को एक देखे थॉट प्रोसेस देखे कि ग्रोथ ज्यादा वीकर ना हो, आरबीआई ने ये कदम लिया है कि वो आज की मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने स्टेटस को रेट्स रखे हुए हैं। अगर आप बाकी कमेंट्री पढ़ेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई का जो डिस्कशन हुआ उसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि उन्होंने इन्फ्लेशन ब्रॉडली थोड़ा नीचे करा है, इन्फ्लेशन ट्रेंड अगर आप देखेंगे, क्रूड ऑयल प्राइजेस थोड़े सॉफ्टन हुए हैं ऑयल सप्लाई कट होने के बावजूद, अगर आप देखेंगे ओवरऑल डिमांड कम होने दिखती है, इसलिए उन्होंने इन्फ्लेशन का जो ट्रैजेक्टरी है हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूरे नेक्स्ट ईयर का 5.25 से 5.5 के बीच में रहेगा। आरबीआई का भी प्रोजेक्शन अराउंड 5.2% है जो उन्होंने कम करा है। ग्रोथ पे आरबीआई थोड़ा ज्यादा बुलिश है हमारे से, हमारी अंडरस्टैंडिंग है अगर आरबीआई ने जो ग्रोथ का नंबर दिया हुआ है 6.5 फॉर नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा ज्यादा है। हमारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ग्रोथ सब 6% दिखेगा, तो जीडीपी डेटा जो रिलीज होता है फॉर द ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर वो सब 6% रहेगा। तो मैक्रो एनवायरमेंट को भी अगर आप देखेंगे जहां पे इन्फ्लेशन नीचे का डायरेक्शन दिख रहा है, ग्रोथ हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा डाउनवर्ड रिविजन आएगा, तो आरबीआई का निर्णय पॉज करने का आई थिंक काफी उचित था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवांग, ये राय अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर शेयर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा ये भी बताइए कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं एलटीसीजी नियमों में। वहाँ पर जो पुराने टैक्स के नियम थे वो हटा दिया गया, इंडेक्सेशन का जो फायदा है वो हटा दिया गया है। तो ऐसे में इस अनाउंसमेंट के बाद डेट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो अभी भी आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे जो हमने जैसे समझाया कि मैक्रो एनवायरनमेंट हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे अभी ग्रोथ डाउनवर्ड लुकिंग दिखेगा, इन्फ्लेशन की ट्रेंड काफी नीचे जाते दिख रही है, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन आई थिंक अभी जो रीडिंग आएगी इंडिया में भी वो 6% के नीचे रहेगी, हमारा अंडरस्टैंडिंग है 5.5% रहेगी। अगर मैक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग एनालाइज करें, प्लस काफी रेट हाइक्स हो चुके हैं, जैसे हमने समझाया कि ऑपरेटिव रेट जो एक साल में लास्ट अप्रैल 22 में आरबीआई ने पहले रेट हाइक चालू करा था, इंट्रोड्यूस करा था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से, जहां पे रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया था उन्होंने, उस वहां से आज की जर्नी अगर हम देखेंगे तो आरबीआई ने ऑलमोस्ट 300 बेसिस से ऑपरेटिव रेट इंक्रीज कर चुके हैं, तो एक्चुअल रेट्स काफी ऊपर है। आज अगर आप 1 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड देखेंगे, 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड देखेंगे, सब 7.5 के लेवल पे अवेलेबल है, एंट्री लेवल्स बहुत अच्छी है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि बिकॉज इन्फ्लेशन इंडिया में काफी स्टिकी है और इन्फ्लेशन 5% के नीचे नहीं जाएगा, आरबीआई इस साल में
रेट कट्स भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर रेट कट नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा कैपिटल गेन्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में बनते हैं वो कम रहेंगे। तो मैक्रो को एनालाइज करके हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आरबीआई इस साल मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर आरबीआई पॉज पे रहेगा, ना रेट की बढ़ोतरी करेंगे ना रेट की घटौती करेंगे। उसको नजरिए में रख के हमारे एडवाइस क्लाइंट्स को है कि वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। इसके अलावा ये बताइए, जो फाइनेंस बिल 2023 में डेट म्यूचुअल फंड्स में जो बदलाव हुए हैं उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? इन्वेस्टरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो डेट म्यूचुअल फंड्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो अगर डेट म्यूचुअल फंड आपने 3 साल तक होल्ड करा तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलते थे। फाइनेंस बिल में एक अमेंडमेंट आई जहां पे ये बेनिफिट निकाल दिया गया है और इंक्रीमेंटली डेट म्यूचुअल फंड्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेंगे। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसी, अगर आप म्यूचुअल फंड डेट एयूएम को देखेंगे, अगर उसका स्प्लिट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ एयूएम ऐसा था जहां पे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता था वो जनरली 1 साल या उससे कम इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया जाता था। उनका जो लक्ष्य होता था वो इन्वेस्टमेंट पीरियड जो होता था वो 1 साल से नीचे रहता था। बाकी का जो 30% विच इज अराउंड 3 से 4 लाख करोड़ का यूएम जो रहता था वो 1 साल से 3 साल के बीच में इन्वेस्ट हुआ जाता था। हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि जो बड़ा यूएम जो 10 लाख करोड़ का है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फंड मैनेजर्स वैसे ही फंड मैनेज करेंगे जैसे पहले मैनेज करते थे। आई थिंक इन्वेस्टर भी उनको पार्किंग सॉल्यूशंस की तरह यूज किए जाते थे, जहां पे उनको हमारा एक स्पेसिफिक गोल है उसके पहले अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो लोग शॉर्ट टर्म कैटेगरी में इन्वेस्ट करते थे, वो कंटिन्यू रहेंगे। जो लॉन्ग कैटेगरी है वो इंटरेस्ट रेट व्यू के हिसाब से, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट्स आने वाले हैं तो वो इंटरेस्ट रेट राइड करने के लिए, कट राइड करने के लिए वो लोग लॉन्ग फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इंक्रीमेंटली यहां से एक्टिव फंड्स में ज्यादा पैसा आएगा बिकॉज एंट्री लेवल्स अभी बहुत अच्छे हैं फिक्स्ड इनकम के लिए। आज भी अगर आप देखेंगे, मैंने समझाया कि 1 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड से 10 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड सब 7.5 में अवेलेबल है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 6 से 8% के बीच में इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं, 6% के नीचे बहुत ज्यादा तक रहते नहीं है और 8% ऊपर नहीं रहते हैं। हम लोग ऑलरेडी 7.5 पे है, प्लस आरबीआई ने ऑलरेडी पॉज का डायरेक्शन दे चुके हैं। आरबीआई का निर्णय ऐसा था कि अभी इंक्रीमेंटली यहाँ से रेट हाइक बहुत कम रहेंगे, तो पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल में इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये डेट का जो टैक्सेशन चेंजेस है, मुझे मेरे हिसाब से इस माहौल में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी डाउनवर्ड दिख रही है इन द नेक्स्ट 6 to 12 months, हमें इतना कोई बड़ा उसका इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। हमारा अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है कि इन्वेस्टर्स एक्टिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स और डायनामिक बॉन्ड फंड्स देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट की जो ये साइकिल है उसको राइड करने के लिए।